हेलो फ्रेंड्स, जीवेंद्र सोंथालिया मेरे सामने बैठे हुए हैं। इन्होंने जून 2024 में अपना सीएमए क्वालिफाई किया और ऑल इंडिया रैंक 5 लाकर इन्होंने बता दिया कि अगर मेहनत की जाए तो कोई भी मुकाम नामुमकिन नहीं है। इंटर में भी इनका रैंक था। सबसे अच्छी इनकी जर्नी में मुझे ये बात लगी कि इन्होंने हमेशा काम किया, वर्क किया, जॉब किया और साथ साथ इन्होंने अपना पढ़ाई भी किया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के कारण ये अपना 100% पढ़ाई में नहीं दे पाए, लेकिन ये सिर्फ एक्सक्यूज होता है। जितेंद्र सोंथालिया ने बता दिया कि दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे में अगर सही से काम लिया जाए तो 24 घंटे भी 48 घंटे बन सकते हैं। इन्होंने जॉब के साथ साथ, ट्रेनिंग के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया। बहुत अच्छा इनका पोर्टफोलियो है, उसमें भी कुछ अर्निंग हुई, उसको भी इन्होंने अपने क्लासेस, अपने पढ़ाई में लगा दिया। ऐसा ट्रू मोटिवेटर मुझे बहुत बहुत मोटिवेट कर रहा है, दुनिया को मोटिवेट कर रहा है। ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरी आई थिंक बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत लोग तो ये कहते हैं थैंक हमारे पास फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। कंप्लेनिंग बहुत लोग करेंगे, कंप्लेन करने के लिए बहुत लोग हैं यहां पर, लेकिन जो कंप्लेन करने के अलावा जो व्यक्ति काम कर रहा है वो समझ रहा है कि ठीक है, मेरे पास इतना ही है, कोई बात नहीं, मैं इसमें भी अपना काम निकाल लूंगा और ऑल इंडिया रैंक बन के भी दिखा दूंगा। कोलकाता से बिलोंग करते हैं, आज पूरे इंडिया में इनका नाम हो रहा है, आगे चलकर वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी इनको रिक्रूट करेगी। आई थिंक माइल्स टू गो, जीवेंद्र सोंथालिया ने बता दिया, मेहनत की जाए शिद्दत से तो कामयाबी दूर नहीं। जीवेंद्र, दुनिया आपको सुनना चाह रही है, समझना चाह रही है, बड़ी से बड़ी कंपनी आपको देख रही है आज, कि आपकी जो क्वालिटीज हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक, आपकी मेहनत करने की क्वालिटीज है वो बताइए जरा, कि आप जो चीज करते हैं उसे पूरा करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं और अपनी पूरी कॉन्सेप्ट और अपनी पूरी जान लगाकर आप उसको पूरा करते हैं। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। आपने बहुत अच्छा चीज बोला था अपने क्लास में कि मेहनत करने से ही आगे हो सकता है, मतलब धीरे धीरे मेहनत करते जाओ तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने वैसा ही किया आपने जैसा बोला था कि मेहनत करना चाहिए, और मेरे घर मतलब सब यही बोलते कि मेहनत करना ही पड़ेगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। हाँ, इस कोर्स को करने के लिए सिर्फ हमें हार्ड वर्क वर्क और डिसिप्लिन ही चाहिए और कुछ नहीं। सिर्फ हार्ड वर्क और डिसिप्लिन आप रखो, आप कोई आपको दुनिया में कोई ताकत आपको नहीं हरा सकता। सिर्फ मैं लास्ट का 6 मंथ्स मतलब क्लासेस खत्म होने के बाद सिर्फ हार्ड वर्क और डिसिप्लिन में, टाइमली मैनर में 9 to 10 आवर्स सिर्फ कंटिन्यूअस डेली, इतना प्रोडक्टिव आवर्स आप पढ़ेंगे आपको कोई नहीं रोक सकता। सर सर ने इतना अपना क्लास में इतने अच्छे समराइज कॉन्सेप्ट्स नोट्स बना के रखा था, आप उसको ही बस 3 4 बार कर लो और सारा सम्स को 3 4 बार रिवाइज कर लो, आपको SFM में कोई नहीं रोक सकता। सर अपने क्लास में हम लोग को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते थे कि हम लोग का और बेस मजबूत हुए, हम लोग खुद पैसिव अर्निंग करना सीखे। ये सब चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हम लोग को, पढ़ाई से रिलेटेड भी और अपने लाइफ के ग्रोथ के लिए भी। जो बच्चे रैंक टारगेट, सर वो क्या करना चाहिए? जो रैंक मतलब आप टारगेट मत करो, आप बस पढ़ने बैठ जाओ, आप सिर्फ पढ़ाई करो, आप रैंक सोच के आप रैंक नहीं ला सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, बस पढ़ने से ही आप रैंक ला पाएगा। हम सिर्फ हमको जैसे मेरे थ्योरी सब्जेक्ट थोड़े से वीक थे तो मेरे को जो इंटरेस्ट है सब वो पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आप मेरा मार्क्स देख लो सब में एग्जेम्पशन, क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल में और फोकस करके उसको इंप्रूव कर दिया कि अगर बाई चांस थ्योरी में अगर कहीं कम भी हो रहा है तो वो प्रैक्टिकल में मेरा मार्क्स उठ जाए। सर भी हर समय यही हम लोग को बोले थे कि आप 3 से 4 बार रिवाइज कर लो SFM में और कुछ नहीं चाहिए, सर का मैट आप सिर्फ 3 से 4 बार रिवाइज कर लो, आपसे एग्जाम में हर सम होगा, मतलब आपको आगे पीछे कुछ देखने का दरकार ही नहीं है कि फिर क्या करना है नहीं करना, कोई दूसरा मैट नहीं, सिर्फ सर का मैट नहीं। आप 3 4 सम करो, आप देखो CMA में आपका SFM में एग्जेम्पशन छोड़िए आप 70 के नीचे आप नहीं लाएंगे, और आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करते जाइए, सिर्फ SFM का बात नहीं, आप हर सब्जेक्ट को कंटिन्यूअस रिविजन कीजिए, मतलब एक टाइमली रूटीन बनाइए, हर सब्जेक्ट दो एक साथ दो सब्जेक्ट पकड़िए, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, और उसको बस करते जाइए दिन भर, सम्स प्रैक्टिस करते जाइए, थ्योरी को 2 3 बार साथ साथ ही रिवाइज कर लिए, एक बार लॉ
को आप जैसे सुबह लॉ जैसे आप सारा दिन नहीं पढ़ सकते, तो आप बस उसको सुबह 2-3 घंटा रोज पढ़िए, और जो लास्ट डे पढ़े उसको रिवाइज कीजिए। हम जैसे सोने जाता था उससे पहले एक बार लॉ का रिवीजन कर लेता था, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट सबका मेरे ख्याल से मैक्सिमम जिनका थ्योरी ही वीकनेस होता है, तो वही हम लोग को कवर अप करना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन थ्योरी के लिए क्या करना पड़ता है, थ्योरी के लिए आप रेगुलर रिवाइज करते जाइए सेम चीज। और जैसे अगर आपको हाँ, मतलब मैं SFM में आपको इंटरप्ट भी कर रहा हूँ बीच में, आप बहुत अच्छा गाइडेंस अगर दे रहे हैं मेरे ख्याल से। एक हम आपके साथ हम इंटरेक्टिंग सेशन रखेंगे स्टूडेंट्स और आपके बीच में रहेगा, मैं नहीं रहूंगा उसमें। आप बताएंगे कैसे सीए में को पूरा तैयार करना चाहिए और किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट टारगेट करना चाहिए। आई थिंक ये एक अलग सेशन हम रखने वाले हैं आपके साथ। और जितने भी सीएमए स्टूडेंट सुन रहे हैं, प्लीज रैंक होल्डर्स, किस तरह से उन्होंने तैयारी की, किस तरह से वो बता रहे हैं लॉ को कैसे पढ़ो, टैक्स को कैसे पढ़ो, एसएफएम को कैसे पढ़ो, आई थिंक इट विल रियली वैल्यू एडिंग। मतलब ये एक अलग सेशन, इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, टू सेशन, टू वे सेशन रखेंगे, जहां पे स्टूडेंट्स भी आपसे क्वेरी ले सकते हैं, क्योंकि आप एक मुकाम हासिल किए हैं और आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपको, मेरे ख्याल से आपको किसने रेफर किया था कि आदित्य जैन सर से क्लास लो? सर वो आप आपके December 22 टर्म में आपके पास आके इंटरव्यू भी दिए थे मोगरा ट्विन ब्रदर्स, वो दोनों उनका भी रैंक आया था AI ऑल इंडिया रैंक 27, तो उन लोगों ने ही मेरे को गाइडेंस दिया था, जबकि उनका रैंक आने से पहले ही उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि आपसे ही लेना है। तो जैसे ही मैंने आपसे क्लास लिया, पहला 3-4 क्लास देखा सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पहला 2 प्रैक्टिकल था क्या, उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखा, तो इतना मस्ती आया क्लास देख के कि मतलब फैन हो गया, फिर मैंने क्लास देख लिया। और जैसे डेरिवेटिव्स ऑप्शन का क्लास तो मैंने 2-3 क्लास साथ एक दिन में ही 2-3 क्लास देख लेता था, इतना इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि जो चीज पढ़ाई करने में तभी मजा आता है जब इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि आप आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया, तो ऑनलाइन में कितना देर वीडियो देख के आप बैठ सकते हैं, एक एक क्लास 3 आवर्स समथिंग का था, तो वो भी एक दिन में 3 देख पा रहा था, क्योंकि आपने इतना इंटरेस्टिंग तरीका से मेरे को इतना कॉन्सेप्ट क्रिस्प तरीका से और इतना प्रैक्टिकली जो आपने पढ़ाया था बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, इसलिए वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट मेरा पूरा कोर्स SFM था, इसलिए मैं फ्यूचर में फाइनेंस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से में ही जाना चाहता हूँ इसलिए। और तो आपने इतना आपने, अच्छा हाँ गाइडेंस दिया था CFA के रिलेटेड भी, तो उसमें भी मेरे को इंटरेस्ट आया, जैसे यहाँ पे जॉब लगेगा तो जॉब के साथ मैं उसको परस्यू कर सकूंगा, ये सब चीज सीएफएम में हम आपने। स्कॉलरशिप का भी बताते हैं, सीएफएम में स्कॉलरशिप का बताते हैं, हम लोग क्लासेस भी देते हैं, तो आप जरूर मेरे से बताइएगा, आपको सीएफए करवाएंगे पूरा अच्छे से। ठीक जी सर थैंक यू। तो है, वो CFA हो गया, फिर आपने स्टॉक मार्केट का कोर्स बताया था, वो दोनों कोर्स मतलब इतना इनसाइट्स आपने दिया था पहला ही क्लास में, कौन टीचर इतना बच्चा लोग के लिए सोचता है कि ये सब चीज मतलब कौन बताएगा, क्यों मतलब कि उसी पढ़ा के भेज देगा तो बच्चा उसी में सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज तो कोई नहीं देता, आपने प्रैक्टिकल नॉलेज दिया। मेरे साथ वो एक स्टूडेंट थे, वो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे थे, जब मैंने उनको दिखाया कि आप 15 मिनट का ये सब सेशन दे रहे हो, तो उसको भी इंटरेस्ट आ गया था कि अच्छा है हम भी इनसे ही लेंगे क्लास, तो मतलब प्रैक्टिकल इनसाइट से बच्चे लोग का नॉलेज भी बढ़ता है और इंटरेस्ट भी आ जाता है सब्जेक्ट का। बहुत और अच्छा। एक ही चीज है, बस हार्ड वर्क करते जाइए, आपने क्लास में जैसे कराया था आपने इतना हार्ड वर्क तरीका मतलब हार्ड वर्क करना ही सिखा दिया था क्लास में, आपने लगभग सारा सम करा के इतना सारा सम 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स मतलब 1000 से ज्यादा सम्स भी हो गया, तो 1000 से ज्यादा सम्स तक आपने कराया, तो वो भी CMA के में भी जो एक्स्ट्रा सम्स हम लोग के कुछ कुछ पार्ट्स है वो भी आपने कवर किया बहुत बढ़िया से, तो जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब हम जैसे CMA स्टूडेंट्स को थोड़ा ये फेस करना पड़ता है कि टीचर थोड़ा CA के हिसाब से पढ़ा देते हैं, तो एग्जाम टाइम में हम लोग को इंस्टीट्यूट का मैट खोल के देखना पड़ता है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, फिर मटेरियल होता नहीं है, लेकिन हमको SFM में इंस्टीट्यूट का मैट खोला ही नहीं था, सिर्फ आपका मैट किया और आप देख लो 77 आया, वो भी हम थोड़ा मोड़ा बिजनेस वैल्यूएशन में भी काफी मदद मिलती है, उसके लिए भी हम लोग जी एक्स्ट्रा सर टॉपिक जी देते हैं बच्चों को। जी आपने तो SFM के क्लास में मेरे को बिजनेस वैल्यूएशन का भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मर्जर एक्विजिशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी करा दिया था, वो भी कितना अच्छा था। SFM में भी मेरा इसलिए तो सॉरी BV में भी इसलिए तो एग्जेम्पशन आया था, क्योंकि मैंने उसमें BV का पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था मेरे को कि SPM का पोर्शन थोड़ा सा थ्योरी में कम ध्यान देना पड़ा था मेरे को, उसमें टाइम बहुत बचा था, क्योंकि BV का पोर्शन मेरा SFM के साथ ही आपने कंप्लीट करा दिया था इसलिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
लास्ट का डायलॉग, ये तो मैथ्स है, मैथ्स है, मैथ्स मैथ्स है, है वही हमको तोड़ याद नहीं आ तोड़ रहा के, था, तोड़ तोड़ के, एकदम तोड़ तोड़ के, एक एक तभी डेरिवेशन, एक एक छोटी छोटी डेरिवेशन हमने क्लास में की है। तो ऐसे में इतना मस्ती आया था, इतना अच्छा से उसको डेरिवेशंस को इतना अच्छा डिराइव किया था। मैं हैबिट है, हम जब भी स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो हम जब से उसको स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तब से हमको ये था कि मेरे को कोई टीचर अगर डेरिवेशन कराएगा तो ही उस सब्जेक्ट का मतलब इंजॉयमेंट आता है। मतलब हम पढ़ क्यों रहे, हमको थोड़ी ना मार्क्स लाना, हमको अपना नॉलेज भी इंप्रूव करना है। तो आपने एक एक कॉन्सेप्ट जो तोड़ तोड़ के पढ़ाया है ना, बहुत अच्छा पढ़ाया था। मतलब एकदम हर चीज का डेरिवेशन, हर चीज का डेरिवेशन बहुत अच्छा लगा था। वो एग्जाम में मेरे को मतलब भले ही सम नहीं आता हो, लेकिन इतना अच्छा डेरिवेशन कराया था कि एग्जाम में सम बन जाएगा वो डेरिवेशन के कारण, मतलब बेस क्लास अगर स्ट्रांग क्लास होने से। हाँ क्लास का एक मंत्र के साथ शुरू करना, नमकार मंत्र के साथ पूरा मोटिवेशन करना, थॉट ऑफ द डे। इतना पॉजिटिविटी आता था। आप वो जो मंत्र चालू करते थे स्टार्टिंग का 1 मिनट 30 सेकेंड, वो बहुत मोटिवेटिंग था। उसको सुन के मतलब अंदर से एक होता है ना कि नहीं कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ करने से ही होगा। आप कितने भी स्पीड में सर क्लास वेस्ट देखते थे, बंगाल से? हाँ वेस्ट बंगाल से? सर, क्या आप भी सर वेस्ट बंगाल से थे, तो आप भी पुरुलिया से थे, हमको क्लास में याद है। तो लगता है कि एक ही जर्नी है अपना, मतलब वहीं से स्टार्ट होगा, हम भी आपके तरह कभी वो हाइट्स में पहुंच पाए। तो बहुत इंस्पायरिंग लगता था क्लास में, अपना स्टोरी वोरी बताते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और एक तो आप जो इंटरेस्टिंग बनाते थे, ये मैथ्स है, ये मैथ्स है, ये बहुत अच्छा लगता था। मतलब हंसते हंसते क्लास निकल जाता था। आप बोलते थे ना हंसते हंसते, मतलब बहुत अच्छे अच्छा कोर्स यूज करते थे आप लोग, बहुत मोटिवेटिंग था वो मेरे लिए। थैंक यू सर। नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑल इंडिया रैंक से बात करके मेरा खुद मुझे प्राउड फील हो रहा है। और आप कितने स्पीड में देखते थे क्लास? हम क्लास 1.5 में देखता था सर, हो जाता था आराम से? बढ़िया से हो जाता था, बढ़िया से हो जाता था। सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक आगे जी अपना सर, रेज्यूम जरूर दीजिएगा मुझे, ताकि आगे चलकर हम लोग एक अच्छा और जॉब प्रोफाइल भी हमें मिले। और आप तो जी काम ही सर, इतना अच्छा करते हो, इतने टैलेंट है, तो आपको कंपनी खुद ही ऑफर करेगी। थैंक यू सो मच, जी थैंक यू सर, वेरी वेरी मच।